हम दूसरा स्टेट के लोग नहीं अप्लाई कर सकते हैं, पर ऐसा नहीं है दोस्तों। बहुत कुछ आपको जानना होगा, इस वीडियो में बने रहिए। मैं आपको बताऊंगा कि अदर स्टेट के लोग भी इस वैकेंसी में कैसे पार्टिसिपेट कर सकते हैं, कैसे पा सकते हैं नौकरी और गवर्नमेंट जॉब पास। हाँ तो चलिए दोस्तों, जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं दोस्तों आप सब अच्छे होंगे। आप सभी लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छी वैकेंसी निकली है दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देखा होगा, साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट स्टेट बिहार। बिहार में एक वैकेंसी निकली है दोस्तों, जो आप ऑल इंडिया के लोग इसमें कैसे अप्लाई कर सकते हैं, क्या क्या क्राइटेरिया होगा, है ना। जैसे कि आप जानते होंगे स्टेट वाइज बिहार निकलता है, तो बहुत लोगों का माइंड में ये रहता है कि बस या झारखंड का निकला, या बिहार का निकला, या उड़ीसा का निकला, या कहीं का भी निकला। तो ज़्यादातर बच्चों लोगों का माइंड में ये रहता है कि वो स्टेट का वैकेंसी है, उसमें हम दूसरा स्टेट के लोग नहीं अप्लाई कर सकते हैं, पर ऐसा नहीं है दोस्तों। बहुत कुछ आपको जानना होगा, इस वीडियो में बने रहिए। मैं आपको बताऊंगा कि अदर स्टेट के लोग भी इस वैकेंसी में कैसे पार्टिसिपेट कर सकते हैं, कैसे पा सकते हैं नौकरी और गवर्नमेंट जॉब पा सकते हैं, है ना। साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट में वैकेंसी निकली है, टोटल करीब करीब 309 पोस्ट पर वैकेंसी निकली है दोस्तों। पूरा डिटेल से बात करेंगे वीडियो में, बने रहिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट ऑफ बिहार स्टेट के लिए, है ना। सबसे पहले मैं आप को पूरा क्राइटेरिया बता दे रहा हूँ दोस्तों कि इसमें क्या क्या क्राइटेरिया है, क्या क्या है, सीधा सीधा एक एक पॉइंट बाय पॉइंट चलिए वीडियो में आपको बताता हूँ। जो लोग को पता होगा कि ये वैकेंसी तो पहले निकल चुकी है, पर मैं वीडियो थोड़ा लेट में बना रहा हूँ, पर आपको ये बहुत ही काम रहेगा दोस्तों, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को फटाफट से। टोटल दोस्तों अटेंडेंट का पोस्ट है, जैसे कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी अटेंडेंट का मतलब आप समझ सकते हैं दोस्तों, ऑफिस में जो वर्क होता है अटेंडेंट मतलब एक नीचे लेवल का पोस्ट रहता है दोस्तों। पर इसमें क्वालिफिकेशन कुछ नहीं है, ओनली फॉर मैट्रिक अगर आप पास हैं तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। टोटल इसमें जो है 308 पोस्ट है दोस्तों। 24/9/2022 को ये वैकेंसी निकली थी, लास्ट डेट है 31/10 यानी 31 अक्टूबर, 24 सितंबर को ये वैकेंसी निकली थी, 31 अक्टूबर तक ये वैकेंसी का लास्ट डेट है दोस्तों। एज लिमिट की बात करते हैं, सबसे अच्छा जो है वो है एज लिमिट दोस्तों, 18 से लेकर 37 साल तक, यानी 18 ईयर्स से लेकर 37 ईयर्स तक मेल कैंडिडेट जो जनरल कैटेगरी में आते हैं वो इसमें फॉर्म फिलअप कर सकते हैं दोस्तों। देखिए कितना बड़ा मौका है, 37 साल तक। अगर आपके पास ओबीसी है तो आप 40 साल तक अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर ही गौर करने वाली बात यह है कि ओबीसी आपका बिहार स्टेट का ही होना चाहिए, अदर स्टेट वाले अगर इस फॉर्म को डालेंगे तो वो जनरल कैटेगरी में डालेंगे, ठीक है। सेकेंड जो फीमेल का है वो है 18 से 40 साल तक फीमेल के लिए, लड़की लोगों के लिए, देखिए लेडीज़ के लिए 18 से 40 साल तक का मौका है इसमें। अगर वो एसटी और एससी हैं तो 42 साल तक, है ना। और एसटी एससी सर्टिफिकेट आपका बिहार स्टेट का ही होना चाहिए, बिहार गवर्नमेंट के ऑथराइज आरआई और वहाँ के जो डीएम होते हैं उनका ऑथराइज किया हुआ होना चाहिए एसटी एससी सर्टिफिकेट, तो ही आप वहाँ के एज का जो है छूट ले पाएंगे, नहीं तो आप जनरल कैटेगरी में डाल सकते हैं। ऑनलाइन जो है दोस्तों 23 सितंबर से फॉर्म फिलअप ऑनलाइन जो है वो स्टार्ट हो चुका है दोस्तों, आप जल्द से जल्द जाइए ऑनलाइन फॉर्म भरिए। 35% महिला के लिए आरक्षण है दोस्तों, टोटल जितना पोस्ट निकला है 309 पोस्ट में 35% मतलब आप पकड़ लीजिए करीब करीब 100 के आसपास करीब करीब लड़की लोगों के लिए, लेडीज़ के लिए, महिलाओं के लिए आरक्षण है दोस्तों। इसमें किसी तरह का कोई कंपटीशन नहीं होगा, सेपरेट पोस्ट रखा गया है आपके लोगों के लिए। देखिए बिहार स्टेट की तरफ से लड़कियों को, फीमेल को कितना सपोर्ट किया जा रहा है, कितना छूट मिला जा रहा है दोस्तों, दूसरा स्टेट में नहीं मिलता है इतना, दूसरा स्टेट में भी मिलना चाहिए, उड़ीसा में भी मिलना चाहिए। ऑनलाइन देखिए आप जाइए, मैं यहाँ पर देखिए लिख दे रहा हूँ, ऑनलाइन में ये फॉर्म फिलअप होगा https://state.bihar.jobin पर जाके आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, अपने नज़दीकी नेट पार्लर में जाके आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं दोस्तों। अब बात आता है लास्ट में, इंपॉर्टेंट बात यह है दोस्तों कि मैं जैसा बोला था ऑल इंडिया की वैकेंसी है, तो आप कौन कौन से स्टेट वाले इसको गिरा सकते हैं, सभी स्टेट में आप कोई भी स्टेट से इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। शर्त बस एक ही रहता है दोस्तों कि आपका जो है लैंग्वेज जो है, जैसे कि मान लीजिए कि आप राजस्थान का, तो जैसे मान लीजिए कि आप उड़ीसा से हैं तो आपका उड़िया लैंग्वेज है, या मान लीजिए कि आप आंध्रा से हैं तो आपका आंध्रा लैंग्वेज है, तो उसी तरह हिंदी जो है वो बिहार स्टेट का फर्स्ट लैंग्वेज है दोस्तों। तो अगर आप भी हिंदी, जैसे कि यूपी के लोग इस फॉर्म में डाल सकते हैं, है ना, राजस्थान के लोग डाल सकते हैं, झारखंड के लोग जान सकते हैं, जिसका फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी रहता है दोस्तों, हिंदी जिसका सब्जेक्ट में रहता है 10th क्लास में, वो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। हिंदी जिसका रहता है वो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। तो आप का यहाँ पर पूरा डाउट क्लियर हो चुका होगा, आप जल्द से जल्द जाइए और इस फॉर्म को अप्लाई करिए दोस्तों, है ना। बहुत अच्छा मौका है, मैट्रिक लेवल का है एग्ज़ाम, आराम से भरिए,
तो ये था वैकेंसी दोस्तों, ये एक नोटिस था जिससे मैं सोचा कि आप लोगों के लिए काम आएगा। ये वैकेंसी था, बहुत अच्छा वैकेंसी दोस्तों। मेरे हिसाब से तो कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता है। अटेंडेंट का काम है तो क्या हुआ, एक गवर्नमेंट नौकरी है। स्टार्टिंग पेमेंट आपको 30-25 हज़ार रुपये आराम से मिलेगा, आराम की नौकरी है। ठीक है दोस्तों, तो आप इस पर एक बार ट्राई ज़रूर करिए। अगर आपके आपका अगर आप मैट्रिक पास हैं, अगर आपकी एज तो बहुत ज़्यादा दिया हुआ है ना, तो आप इस पर ज़रूर अप्लाई करें दोस्तों। मेरा बोलने का मतलब है ना, लड़की लोगों को फीमेल के लिए तो पूरा कितना आरक्षण मिल रहा है, बहुत अच्छा है। तो आप इस फॉर्म को ज़रूर से अप्लाई करें। अगर आप जॉब प्रिपरेशन लाइन में हैं तो इस फॉर्म को एक बार ट्राई जरूर करिएगा दोस्तों। मिलते हैं इसी की तरह एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। वीडियो स्टार्ट करने से पहले बता देना चाहता हूँ दोस्तों, आपको कुछ नहीं बताना चाहता हूँ, बस वीडियो स्टार्ट करना चाहता हूँ। ठीक है, एक अच्छी वैकेंसी निकली है तो प्रिपरेशन कर लेता हूँ भाई वीडियो। ठीक है।